BSTC 2022 का जो राजस्थान जीके का अपना सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। और जितना हो सके आपके पास एक महीना ही रह गया है, तो जितना हो सके आप रोज के कम से कम 30 क्वेश्चन ज़रूर देखें। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए 36 टॉप क्वेश्चन BSTC के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए दूसरे पार्ट के अंदर ये प्रस्तुत हैं। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें और सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 36 टॉप क्वेश्चन BSTC एग्ज़ाम 2022 के लिए। पहला क्वेश्चन आज का, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? तो ये शहर है अलवर। दूसरा क्वेश्चन है आज का, निहाल टावर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निहाल टावर आपका धौलपुर के अंदर है। निहाल टावर क्या है? ये घंटाघर है। बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बूंदी राज्य की स्थापना देव सिंह ने की थी। राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? भाई कोटा जिले के अंदर। ठीक है, राजस्थान में अगला प्रश्न आपका, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में अकबर की जो मस्जिद है वो आमेर के अंदर है। राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है जिसमें 1444 खंभे हैं, कोई भी खंभा एक दूसरे के समान नहीं है, उस मंदिर का नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, उस मंदिर का नाम है चौमुखा मंदिर रणकपुर। राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको पता है चंबल नदी के तट के ऊपर है। बीसलपुर किस जिले में स्थित है? ये टोंक में है। बढ़िया प्रश्न है, बीसलपुर के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो बीसलपुर जो स्थान है वो कहाँ है? टोंक के अंदर है। मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी है? अलवर। मत्स्य राज्य की राजधानी किसकी थी? मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी? अलवर, सॉरी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मठ के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये आपके बैराट के ऊपर स्थित हैं। बैराट का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेट देखने को मिलता है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, दुनिया का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। सरगासोली कहाँ है? ये जयपुर में है। किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये पता है आपको, सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर शहर को। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ये आपके राणा कुंभा ने बनवाया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, ये क्या है इसके अंदर, किसको जल महलों की नगरी कहा जाता है? तो जल महलों की नगरी है ना आपका, ये कहा जाता है किसको भाई? ये आपका आंसर होगा इसके अंदर डीख। कौन सा क्षेत्र डूढ़ाड़ के नाम से जानते हैं? तो डूढ़ाड़ के नाम से जानते हैं हम किसको? जयपुर को। गुलाबी नगरी जयपुर, झील नगरी उदयपुर। राजस्थान का नवनिर्मित जिला प्रतापगढ़, ये आपको पता है ही। यानी कि ऐसे आसान क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक पढ़ने के बाद में आपको फिर एवरेज पे आना चाहिए, और फिर एवरेज तैयार होने के बाद में फिर आपको जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, गहराई में क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके बेसिक क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए। राजस्थान का नवनिर्मित जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन से ज़िले में मानव घनत्व सर्वाधिक है? ये बड़ा क्वेश्चन है आपका, कौन से ज़िले में मानव घनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपका है श्रीगंगानगर के अंदर। थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है भाई। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? ये सवाई माधोपुर के अंदर है, पटवों की हवेली, एग्जाम में कई बार पूछ लिया इसको, ये जैसलमेर के अंदर है। मुनाबाव किस जिले में है? मुनाबाव आपका बाड़मेर के अंदर है। तो ऐसे सामान्य क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए, आते हैं आपको, बहुत अच्छी बात है।
जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंत्र का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर कहलाता है? तो घंटियों का शहर कहलाता है आपका झालरापाटन। बढ़िया क्वेश्चन है भी। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? इसमें 1444। राजस्थान के किस जिले को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? जंगल प्रदेश कहते हैं बीकानेर को। देव यानी तीर्थस्थल कहाँ है? ये सांबर झील के ऊपर है। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट पर्सन है आपका मंडोर के अंदर है। 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी या गद्दी, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? मंडोर के अंदर। भीलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था विमल शाह ने। प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर किस जिले में है? ये करौली के अंदर है। और किस भाग में हॉल ऑफ हीरोज स्थित है? ये आपके मंडोर के अंदर है। झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद खान। बढ़िया प्रश्न ये भी, झुंझुनू के संस्थापक कौन है? मोहम्मद खान। इस प्रकार से आपके ये दो पार्ट्स के अंदर 72 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगले 36 क्वेश्चन और कवर करेंगे।